कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। वेक अप एंड शाइन यूट्यूब चैनल पर विजय विक्रम सिंह के साथ हैं आप, और जैसा कि पिछले कुछ अपडेट से आप देख ही रहे हैं कि मैं भूटान में हूँ और यहाँ की खूबसूरती का मजा ले रहा हूँ। तो भूटान में ही प्रकृति के बहुत करीब अपने आप को मैंने पाया और भूटान में ही एक बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। तो आज मैं आपको कहानी नहीं सुनाऊंगा, अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। पेमा शेरिंग नाम के एक शख्स से मैं मिला भूटान में, कमाल की इंस्पायरिंग जर्नी है उनकी। पेमा शेरिंग जो हैं, ये इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इनके कमर के ऊपर का हिस्सा जो है वो पैरालाइज है, इनके हाथ ठीक से काम नहीं करते, ये ठीक से बोल नहीं पाते हैं, हाथ कंट्रोल में नहीं है इनके। और ये प्रॉब्लम, ये हैंडीकैप उनके साथ बचपन से है, जब से वो पैदा हुए हैं, पैदाइशी है उनका। कोई और होता और अपने आसपास बच्चों को बड़े आम तरीके से बड़ा होते हुए देखता और बड़े आसानी से बाकी काम करते हुए देखता, शायद वो निराश हो जाता, हताश हो जाता, जिंदगी से हार मान लेता। और मुझे पूरा यकीन है कि पेमा शेरिंग ने भी इन सारे इमोशंस को अनुभव किया होगा, इन सारे इमोशंस को महसूस किया होगा, लेकिन उन्होंने इन इमोशंस, इन नेगेटिव इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और उन्होंने इस विषमता को पिछाड़ते हुए अपनी एक जिंदगी बनाई। जी हाँ, पेमा शेरिंग, क्योंकि इनका हाथ काम नहीं करता, अब दोनों पैरों से वुड कार्विंग, पेंटिंग वगैरह करते हैं, शिल्पकारी जिसे कहते हैं, वो करके, लकड़ी पर शिल्पकारी करके वो अपनी रोजी रोटी ना केवल अच्छी तरह से चला रहे हैं, एक बहुत बड़ी दुकान के मालिक हैं, घर बनाया है उन्होंने अपने परिवार के लिए। तो आप देखिए कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत, एक बार अगर सोच लिया कि जो कुछ भी है इस सबसे पार पाकर मुझे खुशहाल जिंदगी जीनी है, तो कोई विषमता आपके आगे, कोई कठिनाई आपके आगे रोड़ा बन ही नहीं सकती, आपको रोक ही नहीं सकती। इस बात का जीता जागता उदाहरण है पेमा शेरिंग। हम छोटी छोटी चीज़ों में निराश हो जाते हैं, ज़रा ज़रा सी बातें, ज़रा ज़रा सी जो हमारे सामने अड़चने आती हैं, हम उसके आगे निराश हो जाते हैं। और कहाँ तो पेमा ने इतनी बड़ी दुर्बलता का सामना, केवल सामना किया बल्कि उसको हराया और आज एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढते रहें, हम प्रयास करते रहें कि जो कुछ भी हमारे सामने आ रहा है, भले ही उस समय वो एक बहुत बड़ी समस्या दिखाई दे, पर हमें ये मान के चलना होगा कि इस समस्या के आगे, अंधकार के आगे उजाला है। इस सकारात्मकता के साथ अगर ज़िंदगी को अप्रोच करेंगे तो यकीन मानिए कोई मुश्किल आपके लिए बड़ी नहीं होगी। और जब भी आपको मुश्किल बड़ी लगे, पेमा शेरिंग को याद कर लीजिएगा। शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा, फिर भी एक सफल ज़िंदगी जी रहे हैं, शिल्पकारी कर रहे हैं, चित्रकारी कर रहे हैं। पेमा शेरिंग के जज्बे को सलाम, ज़िंदगी जीने के नज़रिए को सलाम। वेकअप एंड शाइन यूट्यूब चैनल पर आप विजय विक्रम सिंह के साथ हैं और मेरी भूटान यात्रा के सारे अपडेट आपको मेरे इंस्टा हैंडल से भी मिल सकते हैं @ विजय विक्रम 77। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।